ये सब क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? मेरी आंखें चेक कर रही हूँ। इस उम्र में तुझे मोतियाबिंद तो नहीं आ गया क्या? बहुत हुआ फिर। मुझसे जबान संभाल के बात कीजिए। जब देखो आप मुझसे बदतमीजी करती रहती हैं, और मैं इस बार धवल जी को आपकी कंप्लेन करके रहूंगी। बताऊंगी उनको कि आप मुझे कितना तंग करती। और देख लीजिएगा, जहाँ तक खाने का सवाल है, धवल जी मुझे खुद बाहर से खाना मंगवा के देंगे। खाना तो आपको यही खाना पड़ेगा किंजल। जल गई। ये खाना मैंने अपने हाथों से हम सबके लिए बनाया, और मैं नहीं चाहता कि तुम खाना वेस्ट करो। और अब मुझे तुम्हारे नखरे सहने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको हो क्या गया है धवल जी? आपको बताया, एक्चुअली यही रीजन है जिसके वजह से मैं अपने मायके जाकर बैठी थी। एंड सॉरी टू से, मैंने अपने लाइफ में इतना कंजूस इंसान नहीं देखा जो खाने पीने के मामले में इतना कंजूसी करता। इसे कंजूसी नहीं, सिद्धांत कहते हैं कि पर अब तुम्हारी इन तफी बातों को मैं और बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना, बाहर से ऑर्डर करना है, तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। चाहे 5 स्टार से क्या, 7 स्टार से खाना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई, आप खाना खाना शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जब तक पप्पू भी आ जाएगा, फिर हम तीनों बैठ के साथ में खाना खाएंगे। आई मरी फरियाद करवा वाली। ले ले तू जा। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि वो पुलिस वाले हमारे घर में आए, और डैड और जिगर काका ऑन द वे पुलिस स्टेशन गए। विद्या, तुझे पता है वो इंस्पेक्टर क्यों आया था हमारे घर? मुझे नहीं पता दी। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं क्या टेंशन ले रही हूँ? I was just wondering कि क्या रीजन हो सकता है। संस्कार ने तुम्हारे साथ जो किया, हमारी फैमिली के साथ जो किया, उसी के लिए पूछताछ करने आए होंगे। विद्या, मेरी पानी की बोतल ना किचन में रह गई है, तू लेके आएगी? हाँ, अभी ला दूँ। पुलिस मुझे तो अरेस्ट करने नहीं आई थी, इसका मतलब संस्कार को लगता है डैड और दादी ने जरूर संस्कार के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की होगी, उसी सिलसिले में वो इंस्पेक्टर आया होगा। बट वेट, अगर संस्कार पकड़ा गया, इसका मतलब उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि पूरे प्लान में मैं भी उसके साथ थी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। संस्कार को कॉल करती हूँ। फोन दीजिए मेरा। सारा दिन हाथ में फोन लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है मेरा। पूरा दिन तुम मैसेजेस चैट करती रहती हो। अभी अपने फोन को साइड में रखो और आराम से सो जाओ। मैं जानती हूँ मेरा, इस वक्त तुम्हें मेरी बातें लेक्चर लग रही होंगी, लेकिन जो लोग पूरा दिन फोन पर बातें करते हैं, उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। ओ रियली काकी? हाँ मीरू, अब तुम ही बताओ, ये मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, ये सब चीजें पहले हुआ करती थी? नहीं ना, तब पहले भी इंसान इन सब चीजों के बगैर जीता था ना। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लगता है कि इन चीजों की वजह से जो हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं, उन्हें वक्त ही नहीं दे पाते, उनसे दूर हो जाते हैं। बस काकी, वैसे मानना पड़ेगा लेक्चर्स देने में आप काफी अच्छी है, बट सॉरी मैं मूड में नहीं हूँ किसी से बात करने के लिए। मैं समझ सकती हूँ मेरा, इस वक्त तुम बहुत थकी हुई हो और तुम आराम करना चाहती हो। या सो तो बेटा, मैं तुम्हारा सेल अपने पास रखती हूँ और मैं तुम्हें कल दे दूंगी पक्का। बट काकी, बट कुछ नहीं मीरू। बेटा मैं नहीं चाहती कि इस वक्त तुम्हें कोई भी फोन या मैसेजेस करके डिस्टर्ब करे। काकी इट्स फाइन, मेरे को सेल। और सच मेरा, अगर तुम्हारा कोई भी मैसेज या कॉल आएगा ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। स्लीप प्लीज, रेस्ट प्रॉपरली।
परिका की आप विद्या तुम भी पानी लेकर आई हो। मैं भी मीरा को पानी देने ही आई थी। चलो अब काफी रात हो गई है, मुझे जाना चाहिए। जी गुड नाइट। गोपी दिखा मेरी अहम और जिगर से भी बात हुई है, वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए हैं, आते ही होंगे। ठीक है काकी जी, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं दिखा, जिगर कह रहा था अहम और उसे दोनों को भूख नहीं है। काकी जी जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल तो नहीं सकते। आप उन दोनों से बात कीजिएगा। आ जाने तो दोनों को, मैं बात करती हूँ। ये लीजिए गुप्ते, मीरा का फोन। मीरा का फोन क्यों? मैं उसके कमरे में गई थी गुप्तबेन, और मीरा को देखकर ऐसे लगा कि वो संस्कार को फोन करने वाली है, तो मैंने बहाना मारकर स्मार्टली उससे उसका फोन ले लिया। पर परिधि, तुम मीरा के कमरे में गई क्यों थी? वो उसे पानी देने। अच्छा अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम मेरी बेटी का कितना ख्याल रख रही हो। पर गोपी बहन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? परिधि, जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रही हो, उसका ध्यान रख रही हो, पर तुम्हारी खुद की बेटी का ध्यान मुझे रखना पड़ रहा है। अक्सर लोग जिम्मेदारी उठाने का वादा तो कर लेते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त आने पर उसे निभा पाते हैं। मैंने खाने के लिए तो ना कह दिया था, पर भूखे पेट में नींद तो आने से रही, कुछ तो खाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा धवल जी को, रिच तो पूरा बर्तनों से भरा है, मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये खाली बर्तन फ्रिज में क्यों रखा? ये भी खाली फ्रिज में सारे खाली बर्तन रख दिए, इसका मतलब खाना बचा ही नहीं। कैसे बचेगा? खाना तो मैं पूरा खा गई। तो ये सारे खाली बर्तन फ्रिज में क्यों रख दिए? सारे बातें, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि चोरी करने वाले लोग कभी नहीं सुधरते, चाहे वो पैसों की चोरी हो या फिर खाने की। मैं यहाँ खाना चोरी करने नहीं आई थी। तो क्या फ्रिज में भगवान को ढूंढ रही थी? बंद करिए अपनी बकवास। बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा। देखा धवल जी, हर दिन ये मुझे इसी तरह परेशान करती, पर नहीं आप तो इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, है ना? मैं इन्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ? जल तुम्हें पता होना चाहिए कि घर फेक है और इनका जो मन करे वो ये करेंगे। और जहां तक रही बात खाने की, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खाना खा लो। भाई अपनी कीमती चीजें संभाल के रखना, क्योंकि क्या है ना कि चोर अभी मोहल्ले में नहीं बल्कि हमारे घर में घुसा है।
चल अब भूखी सो जा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।